हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और शाम के बजने वाले 5 और आज मैं 5 बजे से अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। ब्लॉग बनाने की कोशिश की लेकिन बना ही नहीं पाई, इतनी ज़्यादा गर्मी, बस एक जगह पंखे में बैठे थे, कोई ब्लॉग नहीं बनाया। तो अभी चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं जो कुछ मैं आप लोगों के साथ कुछ नया शेयर करने वाली हूँ। बस वही रोज़ ब्लॉग बनाती थी, आप लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं, मतलब कोई ज़्यादा प्यार ही नहीं दे रहा था ब्लॉग में, ज़्यादा देख ही नहीं रहे थे। तो पूरा जो है ये सिंदूर बह जाता है, गर्मियों के कारण ऐसा होता है। तो ऐसी मैं टिप्स आप सभी के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ, जिससे सिंदूर ये बहेगा नहीं और अपनी जगह जैसे आप लोग लगाएंगे वैसे ही लगा रहेगा। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ एक टिप्स शेयर करूँगी और एक किचन से रिलेटेड कुछ शेयर करूँगी। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा तो देखिएगा मैं क्या शेयर करूँ। तो चलिए अभी मैं आप सभी से सिंदूर से रिलेटेड टिप्स शेयर करने जा रही हूँ, जो कि हर औरत के लिए ज़रूरी होता है। सिंदूर बहकर पूरे चेहरे पर आता है, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस वही मैं दिखाऊंगी कि इसको ऐसा क्या करना है जो ये बहेगा नहीं। गर्मियों में तो खासकर हर औरत के साथ ऐसा ही होता है, सिंदूर लगा के पूरे फेस पे बह के आ जाता है। चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग में बने रहिएगा और मैं दिखाती हूँ आप सभी को क्या टिप्स आप सभी के साथ ब्लॉग में अपने शेयर करने जा रही हूँ। और ब्लॉग भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ टिप्स ही नहीं लेकर आऊँगी, थोड़ा बहुत मैं टिप्स एक दो रोज अपने ब्लॉग में ऐड करूँगी और आप सभी को कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करूँगी। सो फ्रेंड्स, आप सभी के साथ आज बहुत ही अच्छी टिप्स मैं शेयर करने जा रही हूँ, वो है सिंदूर को लेकर। तो आप सभी औरतों के लिए बहुत ही यूज़फुल ये टिप्स है और सभी यूज़ भी करती हैं। तो इसके लिए क्या करना है, देख सकते हैं ये जैसे सिंदूर है, हम लोग अपनी मांग में लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैल जाता है और पूरे फेस पे आ जाता है पसीने के कारण। जैसे ये हम लोगों ने लगाया ऐसे में पूरे में फैल जाता है, और पसीना होता है तो और ज़्यादा फैल जाता है, पूरे फेस पर आता है पिघल कर, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो उसके लिए मैं एक टिप्स आप सभी को बताऊंगी, जिससे इसका कलर भी बहुत ज़्यादा डार्क और प्यारा लगेगा, कलर मतलब एकदम चेंज हो जाएगा और वो फैलेगा भी नहीं फेस पे। तो मैं उसके लिए क्या करूंगी, और एक दूसरी चीज़ होती है वैसलीन। वैसलीन को लेना है और देख सकते हैं बस वैसलीन को ऐसे लगाना है थोड़ी सी, और अपनी मांग में पहले लगा लेना है फिर सिंदूर लगाना है, तब वो बिल्कुल भी नहीं पिघलेगा। तो मैं अभी लगा के बताती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले वैसलीन को लेना है और अपनी मांग में लगाना है, जैसे मैं हाथ में लगा के बता रही हूँ ऐसे ही पहले वैसलीन को लगा देना है, फिर उसके ऊपर सिंदूर लगाना है। और देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ गया है, जो सूखा हुआ सिंदूर है और जो वैसलीन से मिला हुआ सिंदूर, दोनों में कितना प्यारा मतलब डिफरेंट है कलर का। और आप सभी को सामने रिजल्ट दिखा दिया, कलर में भी कितना ज़्यादा डिफरेंट है, देख ही सकते हैं आप लोग। और ये बिल्कुल भी नहीं फैलेगा, पूरे फेस पर आ जाता था निकल कर, तो वो बिल्कुल भी नहीं आएगा पसीने से। तो ये ट्रिक आप सभी को कैसी लगी, और आप लोग भी यूज़ करिएगा हर एक औरत के लिए, और ये टिप्स हर एक लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और उनको समझना भी चाहिए, और वो यूज़ करती हैं तो ये टिप्स उनको ज़रूर पता होनी चाहिए। ऐसा करने से कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आता है और देखने में भी सुंदर लगता है और फैलता भी नहीं है फेस पे। तो कैसी लगी ये टिप्स ज़रूर बताइएगा आप लोग, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, आप लोग भी यूज़ करिएगा, और जिससे मतलब हम सभी हाउसवाइफ के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है ये, हाउसवाइफ के लिए नहीं सभी लेडीज़ के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स है। तो आप सभी को कैसी लगी तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं अपनी किचन टिप्स लेकर। सो फ्रेंड्स, दूसरी टिप्स है मेरी छन्नी को लेकर। किचन में क्या होता है, छन्नी जो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है, हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं तो कितनी ज़्यादा गंदी हो जाती है और आसानी से वो साफ़ भी नहीं होती है। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले गर्म पानी लेना, ज़्यादा गर्म ना हो, और ये है चाय छानने वाली छन्नी। तो क्या होता है, ये बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, चाय वगैरह छानते हैं तो काले काले उसमें निशान पड़ जाते हैं, वो आसानी से छूटते भी नहीं, हम लोग ब्रश से साफ़ करते हैं तब भी नहीं साफ़ होता है। तो इसके लिए बहुत ही आसान और सरल उपाय मैं बताने जा रही हूँ आप सभी को। तो क्या करना है, ये बेकिंग सोडा लेना है जो हम लोग खाने में यूज़ करते हैं, तो उसको लेना है और देख सकते हैं 1-2 चम्मच इसमें डालना है पानी में, गुनगुने पानी में। और उसके बाद इस छन्नी को है आधे घंटे के लिए डिप करके छोड़ देना है, मतलब आधे घंटे के लिए ऐसे भिगो के रख देना है, और जिससे इसकी सारी गंदगी जो होती है वो निकल जाएगी। आधे घंटे बाद देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आधे घंटे के लिए इसको छोड़ देती हूँ और फिर उसके बाद आप सभी को दिखाती हूँ रिज़ल्ट इसका कितना अच्छा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाती है वो। बस ऐसे ही टिप करके आधे घंटे या 15-20 मिनट के लिए तो छोड़ ही देना, जितने ज़्यादा समय के लिए छोड़ेंगे उतना सही रहेगा। सो फ्रेंड्स, ये रहा देखिए रिज़ल्ट, ये देखिए कितनी ज़्यादा साफ़ हो गई ना, इसके अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी वो पूरी साफ़ हो गई है, आप देख सकते हैं। बस इसको ऐसे ऐसे चला देना है और बहुत ही मतलब पहले ही बिल्कुल कोई हाथ वगैरह लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी है, देखिए बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गई। बस यहाँ पे ब्रश लगा देना है, ब्रश से साफ़ हो जाएगा। क्या होता है, ये चीज़ नहीं साफ़ होती है, ये साफ़ नहीं होता है, तो देख सकते हैं बिल्कुल साफ़ हो गई बिना हाथ लगा, बस थोड़ा सा रगड़ देना है इसको जाके,
बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। ये बस ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे भी करके इसी में ऐसे रगड़ देना है। ये देखिए साफ़ हो गई ना, बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गई। तो बस ऐसे ही करना है, बस इसमें ब्रश लगा देना है जाके, और बहुत आसानी से, क्योंकि यही हिस्सा जो ये नेट वाला होता है यही नहीं साफ़ होता है। इसमें चाय पत्ती के दाग जैसे होते हैं, चाय पत्ती का काला काला सब निशान हो जाता है, पड़ जाता है, मतलब चाय पत्ती जम जाती है, जो निकलती नहीं है। लेकिन इससे देख सकते हैं बहुत आसानी से निकल गई। तो कैसी लगी ये आइडिया ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, अभी किचन में मैंने सूट किया, और इतनी ज़्यादा गर्मी किचन में लग रही, कुछ कहने की बात नहीं। तो अभी मैं फाइनली बाहर आई, तो थोड़ा आराम करते हैं, फिर खाने की तैयारी करते हैं। शाम के खाने में देखते हैं क्या बनना है क्या नहीं। तो आप सभी को मेरी टिप्स कैसे लगी ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा, और ऐसे ही रोज नए नए टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, और आप सभी को कुछ सीखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग के माध्यम से। सो फ्रेंड्स, अभी रात के बजे हुए 9 और 9 बजे, मेरा खाना वगैरह सारा बन गया, खा गया जब मैं टिप्स बना रही थी। उसके बाद टिप्स बनाने के बाद कोई वीडियो ही शूट नहीं किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। मैंने कहा खाना बना लेते हैं, तो बन गया है खाना, खा भी लिया है। बस किचन साफ़ करना है, जाते किचन भी साफ़ कर लेते हैं, और फिर जो है सारा मेरा शाम का काम ख़त्म। और फ्रेंड, ब्लॉग में बने रहिएगा, फुल वॉच करिएगा, और अगर मेरे वीडियो जैसे भी आप सभी को पसंद है, और जो कुछ देखना वो मुझे बताना, मैं वैसे वीडियो लाने की कोशिश करूँगी। वीडियो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, तो आप सभी प्यार दीजिएगा, तभी जो है वीडियो मेरी अच्छे से चलेगी, यानी अच्छे से देखेंगे तभी चलेगी। तो अभी चलते हैं, किचन साफ़ कर लेते हैं, और हाथ में मेरे चोट लग गई है, यहाँ पर दिखती नहीं होगी, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा कड़ी है। तो इस पर जा रहे हैं हल्दी चूना वगैरह लगाने, क्योंकि खून जम गया है, इस पर पत्थर गिर गया था तो खून जम गया, हल्दी चूना लगाने जा रहे हैं। तो उसके लिए मैं किचन में बना रही हूँ, ये देखिए मैं कैमरा ऑन करती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखिए हल्दी और चूना और इसमें शहद, तीन चीज़ मिलाया है, और इसको लगाएंगे उंगली में, उसके बाद सिकाई करेंगे अच्छी तरीके से, तो खून अच्छी तरीके से फाड़ देता है। ये घरेलू नुस्खा, तो बहुत ही यूज़फुल है ये घरेलू नुस्खा। तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा शहद और चूना, तीन चीज़ मिलाया, उसको उंगली में लगाना है, फिर सिकाई करना है आग में। ये देखिए ये है उंगली मेरी, दिख रही है हल्की काली काली। फ्रेंड्स, इसमें और इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, ये एकदम पूरी काली हो गई थी, लेकिन अब थोड़ा दो तीन दिन हो गए, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है, तो फिर इसलिए इसमें हल्दी चूना लगाएंगे, सिकाई भी करेंगे। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा अंतर लग रहा होगा, ये ज़्यादा वाइट लग रही है, क्योंकि इसमें खून जमा हुआ है। तो वही जाते हैं, हल्दी चूना लगाते हैं और सिकाई करते हैं इसकी, और किचन साफ़ करते हैं। जब तक ये अभी तो पक गया है, इसको बंद करके रख देंगे, जब लगाना होगा फिर से गर्म कर लेंगे, और अभी जाती हूँ मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी खाना वगैरह खाने के बाद देख सकते हैं लग गए हैं किचन साफ़ करने में। और फ्रेंड्स, आप सभी को पता होना चाहिए, रात में ही किचन साफ़ कर देना चाहिए, और रात में ही बर्तन वगैरह धुल के ही रखना चाहिए, ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि क्या होता है, सभी लोग बोलते हैं रात में किचन गंदा होना या बर्तन गंदे रखे रहना बिल्कुल भी नहीं सही होता है। तो इतना काम तो कर ही दिया करें सभी लोग, बहुत सारे लोग रात में छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं अभी मैंने अपनी उंगली में हल्दी चूना शहद जो मिला के बनाया है उसको मैंने लगा लिया है। अभी इसकी सिकाई करना पड़ेगा, क्योंकि खून जमा है, तो उसको मतलब हल्दी चूना ये जो है फाड़ देता है, मतलब खून को पिघला देगा। तो इसकी सिकाई करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से जल्दी ही पिघला देगा, यानी जो खून जमा हुआ है उसको फाड़ देगा। तो अगर घर में दवा नहीं है और अचानक से चोट लगी है, खून नहीं निकला है, तब खून निकलने पर ये बिल्कुल भी ना यूज़ करें, ये हल्दी चूना वाला ट्रिक ये बिल्कुल भी ना यूज़ करें। अगर चोट लगी है, खून नहीं निकला है, खून जमा हुआ है, तब के लिए, अगर खून निकल रहा है तो ये बिल्कुल ना यूज़ करें। अगर जमा है खून तब के लिए, और इसकी सिकाई करेंगे तो ये खून फाड़ देगा। तो थोड़ी देर जाते हैं छत पर, अभी वहाँ पर आग जला के सिकाई करेंगे इसकी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को भी यहीं पे एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, आप लोग देख ही सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, मैं भी करती हूँ इसका इलाज, यानी सिकाई करती हूँ चल के। तो चलते हैं, फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, और अच्छे वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, जो आप सभी को पसंद आए और यूज़फुल लगे। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।